हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे ALH वर्सेस STA के बीच में जो अगला KCC T20 का मैच होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, कौन से प्लेयर आज आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर अपने स्पेल की 4 ओवर तक कंप्लीट बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। दोस्तों, किसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए लेना चाहिए इस मैच के अंदर, कौन सेफ रहेगा, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा। तो एक बार दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करना। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सिलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा, सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा। देखो, अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी चेंज होगा दोस्तों, तो वही टीम मैं आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं ना, पहला कमेंट मेरे लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करोगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सुल्वेया क्रिकेट ग्राउंड कुवैत में ये मुकाबला होने वाला है, 11:30 में ये मैच आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहां का पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, जिस प्रकार का ये ग्राउंड है दोस्तों, आपको यहाँ पे 150 के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे देखने को मिल जाएगा। बैलेंस पिच है, लेकिन कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू विकेट्स निकाल रहे हैं दोस्तों, और इस मैच के अंदर देखोगे ALH के जीतने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। बाकी 13 मैचेस हो चुके हैं अभी तक इस रिच के इस ग्राउंड पे, जहाँ पे 8 मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम ने विन करा है और सेकेंड बैटिंग टीम ने 5 मैचेस जीतते हुए आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करेंगे ALH के टीम के बारे में, तो ALH के टीम ने यहाँ पे अभी तक देखोगे 2 मैचेस खेला है। पहला जो मैच है दोस्तों, ALH की टीम 168 का टारगेट दिया था, जो कि DR के टीम ने चेस नहीं कर पाया था, पहला मुकाबला विन करा। दूसरा मैच भी अगर आप देखोगे तो विन करा है, लेकिन STA की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पहला मुकाबला लॉस करा था, हालांकि दूसरा मैच जो है जीतते भी आ रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि वन साइड गेम देखने को मिलेगा, दोनों ही टीम अगर आप देखेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी नवाफ जो कि टीम के ओपन करते हैं, पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 24 रन, दूसरे मैच के अंदर 11 रन स्कोर करा है। ये ओवरऑल देखोगे 35 रन बनाया हुआ है। अजहरुद्दीन ये भी ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 13 रन, फिर यहाँ पे 1 रन स्कोर करा है। ये दोनों के दोनों ओपनर बैट्समैन है। बाकी यहाँ पे मोहम्मद असलम की बात करते हैं, तो फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 27 रन प्लस 3 विकेट, फिर 54 रन प्लस 3 विकेट निकाला हुआ है। दोस्तों, ये जो प्लेयर है फर्स्ट राउंड पे बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे, तो इनको क्या करना है, अपने टीम के अंदर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए जरूर से जरूर ट्राई करना है मोहम्मद असलम। इस वजह से भी इनका सिलेक्शन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बढ़िया है, ठीक है। बाकी आप एहसान उल हक की बात करेंगे, तो सेकंड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 16 रन, दूसरे मैच के अंदर 104 रन बनाया था, बहुत बढ़िया प्लेयर दोस्तों। बैटिंग इनका देखोगे तो बहुत ही शानदार है। तो स्टार्टिंग के जो यहाँ पे आप 4 प्लेयर को देख रहे हैं, इन 4 को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये इनका फॉर्म अभी तक देखोगे तो उतना बेटर है नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो अगर आप सेफ टीम क्रिएट करते हैं। मोहम्मद सोहेल थर्ड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 42 रन प्लस 1 विकेट, फिर 3 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 45 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है। बाकी यहाँ पे ताहर की बात करेंगे दोस्तों, 4 नंबर पे खेलते हुए 8 रन स्कोर करा है। रूबेल इस्लाम 5 नंबर पे खेलते हुए 28 रन पहले मैच के अंदर, इसमें 3 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला है। बाकी यहाँ पे शहन की बात करेंगे, 3 मैच के अंदर 105 रन स्कोर करा, इनका रिकॉर्ड उतना बेटर है नहीं, इनका देखोगे डोमेस्टिक प्लेयर का रिकॉर्ड है, अभी देखोगे बैटिंग बॉलिंग करने का भी मौका इनको नहीं मिला है, तो इनको ड्रॉप करना है आपको। MD शरीफ 1 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट इनको नहीं मिला। मोहम्मद अंसर पहले मैच के अंदर 2 विकेट, दूसरे मैच के अंदर 1 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन ये भी जो है ना अपना स्पेल के 4 ओवर गेंदबाजी हैं। बाकी अशराफ की बात करेंगे, तो पहले मैच के अंदर 1 विकेट, दूसरे मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाला है। मिर्जा अहमद जो कि 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों, ये भी गेंदबाजी अगर आप देखोगे तो अपने स्पेल के 4 ओवर बॉलिंग करते आपको दी जाएंगे। तो ये ALH का बैटिंग ऑर्डर है, और ध्यान रखना आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन STA की बात करते हैं, तो नमन सेठ खेलते हुए नजर आएंगे जो टीम के ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 0 रन, फिर यहाँ पे 36 रन स्कोर करा है। बाकी नवाफ अहमद ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 1 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर दोस्तों सेकेंड राउंड पर खेलते हुए इन्होंने 24 रन बना के 1 विकेट निकाला है। टीम के ओपन करेंगे दोस्तों,
और ये अपने एसपीएल के चार ओवर गेंदबाजी करेंगे। इस वजह से नवाब अहमद को अगर आप चाहें तो इनको भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए 17 रन स्कोर करा है, तो ये प्लेयर जो है बेटर है, लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट मैच के अंदर इनको 6 नंबर पे भेजा गया था। अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी अनीश इकबाल सेकंड राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 6 रन, दूसरे मैच के अंदर 6 रन, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। जंडू की बात करेंगे दोस्तों तो थर्ड राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 12 रन प्लस 2 विकेट, फिर 17 रन प्लस 3 विकेट निकाले हैं, तो इनका रिकॉर्ड बेटर है। बॉलिंग आप देखोगे तो 5 विकेट निकाले हैं अभी तक 2 गेम के अंदर। बाकी नवीद फकर की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 1 रन कोई विकेट नहीं मिला, फिर 5 रन प्लस 3 विकेट निकाले। विक्रांत गुप्ता पहले मैच के अंदर 26 रन, दूसरे मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पे खेलते 25 रन बनाया हुआ है। बाकी अब्दुल हसीब ये पहले मैच के अंदर 6 नंबर पे खेला, 2 ओवर की गेंदबाजी भी किया लेकिन विकेट नहीं मिला दोस्तों। बाकी सोलमन अरुण की बात करेंगे, राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है और 4 ओवर के स्पेल में दोस्तों इन्होंने 3 विकेट निकाले हुए हैं। बाकी रियाज पहले मैच के अंदर 6 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहा था। आरिफ लतीफ इनका बैटिंग इनका कुछ खास नहीं, बॉलिंग से भी देख सकते हैं 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट मिला नहीं। दानिश कालू की बात करते हैं तो ओपन करते हुए 40 रन बनाया हुआ है दोस्तों, और प्रवीज शाह जो कि 2 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले थे। तो लास्ट के जो 2 खिलाड़ी है ना दोस्तों बहुत बेटर प्लेयर है और इन दोनों को तो जरूर से जरूर ट्राई करना है आपको। तो ये रिकॉर्ड है दोस्तों दोनों ही टीमों का, ALH और STA के सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ध्यान रखना आपको सेम बैटिंग ऑर्डर लगभग इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, तो इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है दोस्तों प्लेयर्स का स्टैट्स को फॉलो करते हुए प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप ले सकते हैं। बाकी चलिए मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से, चलो इनको ट्राई करते हैं। मैंने जैसे कि बताया था आपको वीडियो के अंदर ये बेटर प्लेयर है, बाकी डी जेप्ट को मैं लेने वाला हूँ, ये कि ओपन कर रहे हैं, ध्यान रखना इनका सिलेक्शन कम है, सिलेक्शन पे मत जाओ, लेकिन बढ़िया प्लेयर है तो मैं दोनों को ट्राई करूंगा, ठीक है। बाकी बैटिंग में देखोगे 3 बैट्समैन जिसमें से एमसेट बेस्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तथा मैं ट्राई करूंगा एउल हक भी बेटर प्लेयर रहने वाले हैं, तो ये 3 बैट्समैन आपके टीम के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो इन तीनों को मैं ट्राई करूंगा। बाकी ऑलराउंडर में देखेंगे तो 3 ऑलराउंडर को मैंने ले रखा है, एम असलम बेस्ट रहेगा दोस्तों, ए जंडू को मैं ट्राई करने वाला हूँ और यहाँ पे एन फगर बहुत बढ़िया प्लेयर रहने वाले हैं, तो ये 3 ऑलराउंडर प्लेयर आपके टीम के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हुए आपको देखेंगे। वहीं रहा बॉलिंग की बात तो मैंने 3 बॉलर को ले रखा है, एसआरुल बेस्ट रहेगा दोस्तों, एम सोहेल को मैं ट्राई करूंगा और यहाँ पे एम अहमद, ये तीनों के तीनों प्लेयर बहुत बेटर रहने वाला है। बाकी टीम प्रीव्यू मेरा कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए एम असलम को मैं ट्राई करूंगा, वाइस कैप्टनसी के लिए एस जंडू भी बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरे साइड से टीम है, बाकी इसमें अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं, और मेरे टीम में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो मैं फाइनल टीम आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं ना दोस्तों, पहला कमेंट मैंने लिंक आपको पिन कर दिया, आप क्लिक करके ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।